इस लेक्चर में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सितंबर 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ J101 प्रोडक्ट है एंड J+2 प्रोडक्ट्स हैं। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल मालूम करनी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017। एंड बी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन और लॉसेस। अकाउंटिंग एंट्रीज हमने सिर्फ गेन और लॉस वाले की बनानी है, सारी अकाउंटिंग हमसे नहीं मांगी एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन एट प्लेटिनम केमिकल्स इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, प्रोसेस वन एंड टू। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द मंथ ऑफ अगस्त 17। एक्चुअल कॉस्ट दे दिए प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। दो प्रोसेसेस हैं, उन दोनों की एक्चुअल कॉस्ट दे दी है। डायरेक्ट मटेरियल 12,000 लीटर्स लग रहा है उसकी कॉस्ट है, फिर कन्वर्जन की कॉस्ट दोनों में हमें दे दी है। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस वन से जो कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट होगी वो ही यहीं पे यूज होगी। प्रोडक्शन एंड सेल्स का डेटा दे दिया है। प्रोसेस वन के लीटर्स हैं, फिर प्रोसेस टू के लीटर्स हैं, फिर कुछ हमसे फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर वर्क इन प्रोसेस में ओपनिंग क्लोजिंग प्रोसेस वन में नहीं है, प्रोसेस टू में दिया हुआ है। मटेरियल आर इंट्रोड्यूस एट द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस वन, ठीक है, मटेरियल जो है प्रोसेस वन के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। एंड प्लेटिनम केमिकल यूजेस वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, तो इस चीज को देखना है कि वेटेड एवरेज मेथड यूज हो रहा है, फाइफो मेथड नहीं यूज कर रहा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट जो है एक हमारा BP01, इसको बेच के जो हमारे पास आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं वो यूज होंगे एज अ रिडक्शन इन ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRV ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नॉर्मल प्रोडक्शन लॉसेज इन बोथ प्रोसेसेस आर एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ इनपुट जो है हमारा नॉर्मल लॉस है एंड आर इनकर्ड एट बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मल लॉस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में ही हो जाते हैं। लॉस ऑफ ईच लीटर इन प्रोसेस वन रिजल्ट इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.8 kg। एक यूनिट के लॉस में 0.8 लॉस ऑफ ईच लीटर, एक लीटर के लॉस में 0.8 kg जो है वो वेस्ट हो जाता है। और 100 पर kg के हिसाब से फिर ये बिक भी जाता है। तो लॉस ऑफ प्रोसेस टू हैज नो सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले प्रोसेस वन को इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वांटिटी शेड्यूल बनाना पड़ेगा यूनिट्स की कैलकुलेशन के लिए, जिसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ जाएंगे, इनपुट जो होगा वो आ जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स यहाँ से हट जाएंगे, फिर अगर कोई नॉर्मल लॉस है वो आ जाएगा, फिर एबनॉर्मल लॉस या गेन है तो वो आ जाएगा, और फिर आउटपुट के यूनिट्स आ जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। ओपनिंग, अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल जो इनपुट हुआ है वो 12,000 लीटर्स है, लीटर्स में गिवन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं, इनपुट जो है वो 12,000 लीटर्स हैं। उसके बाद और जो यूनिट्स की डिटेल है वो यहाँ दी हुई है। ज्वाइंट प्रोडक्शन J101 5,000 लीटर्स, J202 जो है वो 4,500 लीटर्स। तो दो प्रोडक्ट्स हमारी जो बन रही हैं उन दोनों के हमें आउटपुट के यूनिट्स दे दिए जो कि बन के निकलेंगे प्रोसेस वन से। तो टोटल यूनिट्स 5,000 प्लस 4,500, 5,000 प्लस 4,500। उसके बाद बाय प्रोडक्ट जो है वो 1,000 की दी हुई है यूनिट्स, तो इसमें बाय प्रोडक्ट भी डाल देते हैं। बाय प्रोडक्ट है 1,000 यूनिट्स। उसके बाद, अच्छा, इसमें प्रोसेस वन में कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग नहीं है, तो कोई ओपनिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, तो नॉर्मल लॉस जो है वो इनपुट पे ही लग जाएगा, डायरेक्ट इंस्पेक्टेड यूनिट पे ही, इंस्पेक्टेड यूनिट इनपुट वाले ही होंगे। अच्छा, तो नॉर्मल प्रोडक्शन लॉसेस इन बोथ प्रोसेसेस आर एस्टिमेटेड 10% ऑफ इनपुट। तो इनपुट की फिगर है 12,000 का 10%,
तो नॉर्मल लॉस आ गया। उसके बाद एबनॉर्मल गेन आया, बैलेंसिंग फिगर या लॉस आया वो देख लेते हैं। तो 300 जो है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की फिगर आ गई है। फर्दर अब हम लोग जो है इसके जरिए से इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमें यूनिट्स चाहिए होंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए होगी। और मटेरियल के यूनिट्स आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे कन्वर्जन के यूनिट्स आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड यूज हो रहा है, ताकि हमें पता है। अच्छा, वेटेड एवरेज मेथड में हमें मटेरियल है इंट्रोड्यूस एट द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस वन एंड प्लेटिनम केमिकल यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की एक ही यूनिट्स की बन जाएंगे, जो कि हैं हमारे पास 9,500। 100% कंप्लीट हैं ये, तो मटेरियल पे भी मटेरियल और कन्वर्जन दोनों पे 9,500 यूनिट्स पर भी कॉस्ट और लगनी है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो नहीं है हमारे पास, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमारे पास 300 का है। 300 जो है वो मटेरियल के हिसाब से तो 100% पे है, लग जाएगा, और कन्वर्जन पे जो है वो अभी नहीं लगेगी। वजह ये है कि लॉस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में ही हुआ है, तो मटेरियल पे तो लग जाएगा फौरन से। कन्वर्जन पे जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लॉस की फिगर लगती है, तो कन्वर्जन का भी कुछ भी नहीं लगेगी और मटेरियल पे पूरा 100% लग जाएगी। अच्छा, 300 का ये तो पूरी की पूरी 100% यहीं पे लग जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी, जीरो। इनका सम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स भी आ गए। अब इसके बाद हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल और कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, मटेरियल जो है उस पे 5,748,000 की कॉस्ट है। 5,748,000, और कन्वर्जन पे 2,610,000, ये कंप्लीटेड यूनिट्स पे थी। उसके बाद अगर कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यहाँ से हट जाएगी। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो है, इस हमारे पास नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 1,200। ठीक है, इसको आगे देखते हैं अब क्या क्या गिवन है। वो बता रहे हैं कि भाई लॉस ऑफ ईच लीटर इन प्रोसेस वन रिजल्ट इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.8 kg, मतलब हर 1 लीटर के लॉस में 0.8 kg जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ठीक है, 1 लीटर की कॉस्ट में 0.8 kg जो है वो वेस्ट होता है, तो अगर हम लोग 1200 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1200 लीटर में कितना वेस्ट हो रहा है सॉलिड वेस्ट। तो हमें पता चल गया 960 जो है वो सॉलिड वेस्ट हो रहा है टोटल। अब जो है इस 960 जो है वो आगे विच इज सोल्ड फॉर 100 पर kg। 960 kg जो है वो 100 पर kg के हिसाब से सोल्ड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आ गया। उसके बाद बाय प्रोडक्ट को भी
सिमिलरली हम इसकी स्क्रैप वैल्यू देख लेते हैं। बाय प्रोडक्ट जो है वो 1000 है, और बाय प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड एट द स्प्रेट ऑफ 0.4 रुपीज 500 पर लीटर। 1000 लीटर्स इंटू 500 पर लीटर इंटू 500 पर लीटर, तो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट भी आ गया। अब उसके बाद यूनिट्स जो है वो हमने ऊपर फाइंड कर लिए हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। पहले टोटल कॉस्ट कर लेते हैं। इसमें से स्क्रैप वैल्यू भी हट जाएगी, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू भी हट जाएगी। यहाँ पे टोटल सेम यही रहेगी, तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स जो मटेरियल के हमने निकाले हैं 9800। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस्ट डिवाइड बाय 9500 यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट भी हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद जो है कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई, अब हमने एलोकेशन करनी है। पहले इवेल्युएशन कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन बना लेते हैं कि कंप्लीटेड यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगी है टोटल। तो कंप्लीटेड यूनिट्स जो थे वो 9500 थे इनटू, अच्छा कॉस्ट पर यूनिट का एक टोटल भी यहाँ पे कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट पर यूनिट है 800.45, तो 9500 हमारे टोटल कंप्लीट हुए हैं इनटू इन 9500 को टोटल में इसके मटेरियल और कन्वर्जन दोनों से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। वैसे क्या होगा कि 9500 पे पहले मटेरियल 525.7 कॉस्ट लगेगी, फिर 9500 पे 274.7 लगेगी, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो टोटल हमारी 760.4285 कॉस्ट जो है वो आ गई है। एलोकेशन के लिए हमें टोटल एनआरवी चाहिए होगी। टोटल एनआरवी के लिए किस किस की, J1 की और J2 जो प्रोडक्ट हैं, इन दोनों प्रोडक्ट की। तो J101 जो प्रोडक्ट है 5000 इसके लीटर्स हैं और इसके 4500 लीटर्स हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स के बाद एबनॉर्मल लॉस की भी निकाल लेते हैं। अमाउंट एबनॉर्मल लॉस की जो अमाउंट है वो 300 मटेरियल पे लगी है इनटू और मटेरियल का पर यूनिट का रेट, तो ये हमने एबनॉर्मल लॉस की फिगर भी निकाल ली। ये जब एंट्री करेंगे तो वहां पर काम आ जाएगी। अच्छा वापसी आते हैं कि J101 प्रोडक्ट में 5000 लीटर्स इंटू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमें कितनी दी हुई है, सोल्ड फॉर ₹1200 पर लीटर आफ्टर इनकरिंग पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ 120 पर लीटर। तो 1200 इंटू 120 की माइनस इसके ऊपर 120 की कॉस्ट लग जाएगी। तो 5400000 हमारे पास J1 की आ गई। अब सिमिलरली J2 के लिए 4500 लीटर इंटू सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, सोल्ड कितने में हुआ, 1400 पर लीटर, 1400 पर लीटर। इसमें से कॉस्ट हमने हटानी है। अब हमारे पास कॉस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये J2 जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस 2 में जा रहा है, प्रोसेस 2 में जाके हमें कॉस्ट पता चलेगी। तो इसके लिए हमें पहले प्रोसेस 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे दोबारा आते हैं। तो अब हम प्रोसेस 2 को सॉल्व कर लेते हैं।
प्रोसेस 2 के लिए क्वांटिटी शेड्यूल बना लेते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और जो ट्रांसफर इन यूनिट्स होंगे प्रोसेस 1 से वो कितने हैं, वो 4,500 यूनिट्स हैं। कैसा तो चला इनके ये 4,500 यूनिट्स जो आउटपुट था प्रोसेस 1 का, वही इनपुट होगा, ट्रांसफर इन यूनिट्स होंगे प्रोसेस 2 में, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 फॉर कन्वर्जन इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। तो 4,500 ट्रांसफर इनके यूनिट्स हो गए। ट्रांसफर इन यूनिट्स के बाद 3,400 जो है जे प्लस के आउटपुट आ गया, आउटपुट के यूनिट्स आ गए हैं 3,400, ये प्रोसेस 2 से आउट हुए। ट्रांसफर इन यूनिट्स के बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमें दी गई है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है 650 यूनिट्स हैं, जो कि 70% कम्प्लीट हैं, 650 यूनिट्स हैं। और नॉर्मल लॉस फाइंड कर लेते हैं, इनपुट का 10% ऑफ इनपुट जो है हमारा नॉर्मल लॉस है। तो बैलेंसिंग फिगर अगर हम निकालना चाहें, चेक करें कि कुछ गेन या लॉस आ रहे हैं। तो हमारे पास कोई गेन लॉस नहीं आ रहा, तो सिंपल यही हमारा क्वांटिटी शेड्यूल बन जाएगा। क्वांटिटी शेड्यूल बन गया है, तो एक इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग कर लेते हैं। सेम इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिगर हटा देते हैं। अच्छा, कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, 3,400, ये पूरे 100% ही रहेंगे। तो 3,400 पे पूरी 3,400 यूनिट पे कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं वो 650 हैं, और मटेरियल पे तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% यूनिट्स होंगे, और कन्वर्जन के हिसाब से सिर्फ 70%। तो मटेरियल पे तो पूरे आ जाएंगे, और कन्वर्जन पे 650 का 70% आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोसेस 2 की भी यूनिट्स आ गए, इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। अब कॉस्ट पर यूनिट इससे फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमें मटेरियल और कन्वर्जन, अच्छा मटेरियल की जो कॉस्ट है कंप्लीटेड यूनिट्स की, वो तो प्रोसेस 1 से आएगी, लेकिन प्रोसेस 1 से जो है अभी हमने फाइंड ही नहीं की है, क्योंकि हमारे पास एलोकेशन के लिए डेटा अवेलेबल नहीं था। तो J2 की जो कॉस्ट आएगी यही है यहाँ पे मटेरियल की आएगी, तो हमने अभी फाइंड करनी है, लेकिन हमें कन्वर्जन की पता है। 1542000, 1542000, उसके बाद जो है और कन्वर्जन पे कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा, तो यूनिट्स जो है हमारे पास कोई नॉर्मल लॉस है 450, और लेकिन सेल वैल्यू नहीं है कोई भी, तो इसलिए नॉर्मल लॉस की फिगर यहाँ से माइनस नहीं होगी, सिंपली कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 1542000। कन्वर्जन के यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 400 हमारे पास कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट पर यूनिट आ गए। अब इस 400 को हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1400 सेल प्राइस थी, 1400 सेल प्राइस थी, उसमें से दोबारा कर लेते हैं, 4,500 यूनिट्स थे, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो थी वो 1400 थी, जितने में सेल होंगे, और कॉस्ट जो है वो 400 हमने फाइंड करी है, तो 1,000 इसकी एनआरवी आ रही है। अब 4,500 जो है वो 10% लॉस के बाद बचे कितने, 90%, 90% इनटू एनआरवी से मल्टीप्लाई, तो 4,050 हमारी J2 की कॉस्ट आ गई है। तो टोटल जो एनआरवी आ गई हमारी 9,450,000 की। उसके बाद जो है टोटल एनआरवी आ गई, तो कॉस्ट की
एलो क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉस्ट एलोकेशन कैसे होगी? जे वन की सबसे पहले टोटल कॉस्ट जो थी कंप्लीटेड यूनिट्स, इसको हमने एलोकेट करना है जे वन में और जे टू में। इस कॉस्ट को हमने एलोकेट करना है, तो इनटू जे वन की अपनी कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एनआरवी, जे वन के एनआरवी डिवाइड बाय टोटल एनआरवी। सिमिलरली जे टू में भी इसी तरह से एलोकेट कर देंगे। टोटल हमने 7604 को एलोकेट करना है इनटू जे टू की एनआरवी डिवाइड बाय टोटल एनआरवी। तो ये हमारे पास दोनों कॉस्ट एलोकेट होके आ गई हैं। अब यही जे टू की जो कॉस्ट है ये यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स में यूज हो जाएगी हमारे पास, और इससे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा कॉस्ट डिवाइड बाय मटेरियल के 4050 यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गए हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूएशन अगर कर लें, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना लेते हैं। तो कंप्लीटेड यूनिट्स पे जो कि हमारे थे 3400, कॉस्ट का सम कर लेते हैं। तो 3400 पे तो पूरी की पूरी लग जाएगी कॉस्ट, और यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है तो उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 650 यूनिट्स पे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, और 3855 यूनिट्स पे कन्वर्जन का कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की भी हमारे पास कॉस्ट आ गई है। अब सब हमने वर्किंग कर ली है, अब हम बस कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ जे वन और जे प्लस की। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है रिक्वायरमेंट ए जे वन की कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 4345 36306, और इसमें जो है हमें इनकरिंग पैकेजिंग कॉस्ट भी हमने इनकर की है 120 पर लीटर की। तो पैकेजिंग की भी कॉस्ट है 5000 लीटर्स इंटू 120 पर लीटर, तो ये टोटल आ गई। सिमिलरली जे टू की फाइंड कर लेते हैं। जे टू की जो कॉस्ट है वो कंप्लीटेड यूनिट्स की हमने डायरेक्ट हमें गिवन है, हमने मालूम कर ली है। तो ये दो फिगर्स जो हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की आ गई हैं। तो ए रिक्वायरमेंट हमारी अभी कंप्लीट हो गई है, अब हम बी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, एंट्रीज की तरफ। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री तो हो जाएगी हमारी नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस 1200 था, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू हमने फाइंड की है वो 96,000 से। नॉर्मल लॉस डेबिट 96,000 से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। सिमिलरली उसके बाद एब नॉर्मल लॉस डेबिट, उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। एब नॉर्मल लॉस जो थे हमारे पास 300 था, और उसकी कॉस्ट जो है हमने फाइंड की है 157714। ठीक है, नॉर्मल लॉस डेबिट, एब नॉर्मल लॉस डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस जो है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो है वर्क इन प्रोसेस से दोनों लॉस निकल गए हैं, और अब ये स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप इन्वेंट्री में आ गए हैं। तो अब स्क्रैप इन्वेंट्री से जब हम इसको सेल आउट कर देंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा,
स्क्रैप इन्वेंट्री हमारी खत्म हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और गेन या लॉस जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। तो कैश हमारे पास कितना आया? कैश जो है वो हमारे पास एबनॉर्मल, हमारे पास जो नॉर्मल लॉस था वो था 1200 का। नॉर्मल लॉस है 1200 का, एबनॉर्मल लॉस है 300 का। 1200 प्लस 300 1500। ये 1500 जो है लीटर्स हैं, वो 1500 लीटर इंटू 0.8 kg पर लीटर से जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 1500 लीटर इंटू 0.8 kg पर लीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1200 kg आ जाएंगे। तो 1200 kg इंटू 1200 kg, और ये सेल कितने में होंगे? 100 पर kg के हिसाब से, तो 1,20,000 हमारे पास कैश की फिगर आ गई। स्क्रैप इन्वेंट्री की फिगर ये 253714। तो गेन लॉस जो है की बैलेंसिंग फिगर आ गई, तो लॉस आ गया हमारे पास 1,33,714 का। तो ये हमारी इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो गई है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस पूरे ओवरव्यू अगर देखा जाए तो पहले प्रोसेस वन था हमारे पास, उसके हमने क्वांटिटी शेड्यूल बनाया, फिर उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड किए, उन इक्विवेलेंट यूनिट्स के जरिए से फिर हमने कंप्लीटेड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर ली। कॉस्ट पर यूनिट में स्क्रैप वैल्यू भी हटा दी और बाय प्रोडक्ट की भी स्क्रैप हटा दी। फिर हमने इवेल्युएशन करके कंप्लीटेड यूनिट की एक कॉस्ट फाइंड कर ली। अब इस कॉस्ट को, यही हमारी कॉस्ट हो जाती है अगर दो प्रोडक्ट्स ना होते। हमारे पास अब दो प्रोडक्ट्स थे, दोनों प्रोडक्ट्स को हमने कॉस्ट एलोकेट करनी थी। तो एलोकेशन एलोकेशन की जो बेसिस थी वो क्वेश्चन में एनआरवी बेसिस पे करना था। तो एनआरवी के लिए हमने टोटल एनआरवी पहले निकाल ली, उस टोटल एनआरवी के जरिए से फिर उसको हमने कॉस्ट एलोकेट कर दी। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू आ गया, वो इशू ये था कि ये जो एनआरवी थी जो प्रोसेस टू में जा रही थी, उसमें एक तो डिस्काउंट 10% जो है वो हमें लॉस हो गया था, डिस्काउंट नहीं लॉस हो गया था, तो 90% बची थी। दूसरा जो हमारी कॉस्ट थी, कॉस्ट पर यूनिट थी, वो अभी हमें नहीं पता थी क्योंकि ये प्रोसेस टू में जाके वो पता करनी थी। तो पहले हमने प्रोसेस टू को सॉल्व किया, प्रोसेस टू को सॉल्व करके हमने 400 की जो है कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। इस 400 की कॉस्ट पर यूनिट को हमने यहाँ पे यूज़ किया। हमारे पास 1400 सेलिंग प्राइस थी, 400 कॉस्ट पर यूनिट थी, तो हमारे पास एनआरवी आ गई। इस एनआरवी को हमने J2 के यूनिट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4050 J2 की एनआरवी आ गई टोटल। फिर इसको हमने कॉस्ट एलोकेट कर दी यहाँ पे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में की फिगर्स आ गई, पैकेजिंग की इसमें हमने ऐड कर दी, J2 की फिगर आ गई। फिर सिंपल एक इजी सी एंट्रीज आ गई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।